हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल आर्केड मोड। और तुम बोलोगे साले आर्केड ही क्यों खेल रहे हैं, बड़े मैच खेलने में तेरी फटती है। नहीं भाई, मेरी नहीं फटती, मैं खेल लूँगा और वीडियो भी डाल दूँगा, पर वो वीडियो बनेगी 15 मिनट की, 20 मिनट की, और वो कोई देखता नहीं है। तो भाई चैनल का भी ध्यान में रखना होता है, इसलिए मैं आर्केड मैच की वीडियो डाल रहा हूँ। और तुम और ये वीडियो मैं इसलिए भी डाल रहा हूँ पबजी मोबाइल की आर्केड की, क्योंकि भाई मुझे इसमें एक चीज़ बतानी है, एक रीज़न देना है कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। भाई मेरा सिंपल सा रीज़न है, मेरी ज़िंदगी के लगे पड़े थे। मतलब सही में क्या बताऊँ मैं, वो जो बप्पी लहरी का गाना था ना, मेरे तो ऐर लग गए। वो भी कम था मेरे मेरी कंडीशन को समझाने के लिए। क्या बताऊँ भाई, नए साल की शुरुआत इतनी स्ट्रगल्स के साथ, मतलब वो अनन्या पांडे वाले स्ट्रगल नहीं, असली वाले स्ट्रगल के साथ होगी, मैंने खुद नहीं सोचा था। अब तुम बोल रहे हो ऐसे क्या स्ट्रगल आ गए तेरी ज़िंदगी में, और यहाँ पे ये मुझे बंदा दिख गया, इसकी पहले इसकी बाट लगाएं, फिर अभी बताता हूँ। हाँ भाई, ये बंदा तो मर जाएगा, उसे इस बंदे को मुझ पे छोड़ दो, और मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई मेरे घर में हैं बिल्लियाँ, मतलब हमने बिल्ली पाली नहीं है, मतलब स्ट्रे कैट ही है। उस बिल्ली ने हमारे, मतलब जो बाहर का जो एक एरिया होता है ना, एक बरामदा सा जो हर किसी के घर में ही होता है भाई, वो उस बरामदे में जहाँ पे मेरे पापा बाइक खड़ी करते हैं, वहाँ पे वो अपने बच्चे लेके आई थी। और उस टाइम पे मेरा घर बन ही रहा था, मतलब उस टाइम पे मेरा घर बना भी नहीं था पूरी तरीके से, और बन ही रहा था उस टाइम पे घर। और जो वो वहाँ पे बच्चे लेके आए, तो हम उसे दूध लेने लग गए और उसके बच्चों का ध्यान रखने लग गए। मतलब बाहर ही रखते थे, दूध वूध खिलाते थे, ब्रेड व्रेड दे देते थे। तो उसमें से एक बच्चे को ना एक बिल्ले ने खा लिया, और खा के ले जाने ही वाला था कि हमें उसकी आवाज़ आ गई। मतलब जैसे उसने पकड़ा होगा उसे, ये दांत मतलब मुंह में दबा के ले जा ही रहा होगा, जब भी हमें उसकी आवाज़ आ गई। पर हमने उसे बचा लिया, मतलब जैसे तैसे करके हमने उस बच्चे को, छोटी सी बिल्ली की बच्ची को, उस बिल्ले से बचा लिया। तो भाई मैंने जैसे हमने जैसे उसे बचा लिया, तो वो हमें बाद में पता चला कि उसके, क्या बोलते हैं, उस बिल्ले का दांत उस लग गया उसे, मतलब गड़ गया, और मतलब काफ़ी बड़ा जख्म सा हो गया उसमें। तो भाई वो उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जहाँ पे उसे वो काटा था उस बिल्ले ने, वो हिस्सा सूजते ही जा रहा था। और भाई वो हिस्सा सूजते ही जा रहा था, पर हमने सोचा कि भाई बस हो गया इस बिल्ली का, अब ये नहीं वाली। पर क्या बताऊँ मैं, भगवान की कृपा से वो बच गई है। अभी बताता हूँ, मुझे बाद में पता चला, जब मैंने एक बार गूगल करा कैट बाइट बाय अनदर कैट, तो मुझे उसमें पता चला जब ये बिल्लियाँ एक दूसरे को खा लेती हैं और इनके जख्म हो जाता है, तो वहाँ पे इनके पस पड़ जाता है। और भाई जो वो छोटी सी बच्ची और उसके इतना बड़ा एरिया फूल गया था, मैं क्या बताऊँ भाई। अगर तुम खुद भी सर्च करोगे ना, तो तुम खुद हैरान हो जाओगे, ऐसा भी होता है। और फिर हम अगले दिन लेके गए पे, हम मतलब हम अपने पैसे लगा के एक गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल पे लेके गए, और उसे हमने उसका इलाज कराया। तो भाई उसका इलाज कराया, तो हम जब उसे लेके गए थे ना, तो भाई क्या हालत हुई थी उस बच्चे की। उसे बड़ी मुश्किल से तो हमने पकड़ा, फिर उसे दवाई पिलाना मुश्किल होता। तो भाई यही सब बताना था मुझे कि बड़ा दिमाग ख़राब हुआ, पर अब वो बच्ची ठीक है, और ठीक मतलब काफ़ी हद तक हेल्दी हो गई है। तो बस यार मुझे यही बताना था। अगर तुम्हें गेम प्ले पसंद आया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। और ये देखो, मैं कहता हूँ भाई, मेरी किस्मत बहुत बेहूदी सी है, यहाँ पे मैं मैच के इंटेंस मोमेंट पे हूँ, और यहाँ पे मैसेज आ रखा है। तो भाई इसके तो काम मैं डाल दूँगा DBS से, हालांकि इसने डबल बैरल से मेरे भी लगा ही दिए थे, पर मैं इसे मार देता हूँ। और जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।